रिपब्लिक डे के दिन एक स्पेशल पर्सन से मिलके हम बहुत खुश होके निकले और अब हमें कैसे भी करके पापा को शॉपिंग मॉल ले जाना था। तो हम है ना तिरंगे को सल्यूट करके निकल चुके, अभी हम है ना पूरा सिटी घूमेंगे, फिर उसके बाद में नहीं पहले हम कुछ खा लेते हैं। मुझे रोल खाना है, मम्मी आपको? मैं भी रोल ही खाऊंगी। हाँ रोल खाएंगे हम सब लोग आज, फिर हम है ना पूरा सिटी घूमेंगे और हम है ना शॉपिंग मॉल भी जाएंगे। चलो हम आज रोल खाएंगे। ए चलना सोनल दी, हम देखेंगे पहले वहाँ पे कौन कौन से रोल मिलते हैं, उसमें से फिर देख कौन सा रोल लेना है। पहले देख लो इधर, मुझे डोसा मंचूरियन एंड पनीर के अलावा कुछ और पता ही नहीं कि स्ट्रीट फूड में और क्या क्या मिलता है, क्योंकि कभी खाया ही नहीं। रुको जरा सोचने दो, पनीर रोल। तो रोल में भी मैंने पनीर रोल ही ऑर्डर कर दिया। हमने ना चार पनीर रोल लिए, पनीर रोल ठूसेंगे, फिर उसके बाद में ना मॉल में जाएंगे और मॉल में जाने वाली बात है ना पापा को नहीं पता है। ये देखो ये रहा हमारा पनीर रोल, बाकी का सोनल दी के पास है। पनीर रोल खाएंगे फिर उसके बाद में मॉल जाएंगे। ओके खुल भी नहीं रहा वो, ये लो पापा। क्या ये? पनीर रोल है, वो रोल है रोल, ऐसे मत देखो, खा के बताओ कैसा है। मतलब क्या रहता है यहाँ? रोटी में पनीर है ना। मैजिक रोटी है क्या? ओ पानी दो ना। तो इतना कैसे सेवा कर रहे हो मेरी आप? क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम खर्चा मत कराओ। तो फिर से दो पानी, एक घूंट पिलाने से क्या होगा? पापा शूट कर रही क्या? सोनल पेट भरा क्या? गरम कुत्ता खाने का क्या? गरम कुत्ता? अरे हॉट डॉग। सोनल गरम कुत्ता खाती है? गरम कुत्ता सोनल खाएंगी, गरम कुत्ता चलो। मम्मी पापा को बता दो ना, नहीं तो पापा सीधा घर पर लेके चलेंगे। किधर चलने का? मॉल में चलो, मॉल में घूमने चलूंगा, सिर्फ वहाँ खरीदी बिरीदी नहीं करना, मैं पहले बता देता। मैं बता रही हूँ कुछ अगर पसंद आया तो आपको लेना ही पड़ेगा, वो ऐसे नहीं चलेगा। हम मॉल जा रहे हैं ना, और कितना दिन हो गया हमने कुछ लिया भी नहीं मॉल से, है ना मम्मी? देखा कैसे शांत हो गए पापा। तो आ गए हम लोग मॉल में, और हम मॉल में इसीलिए आए क्योंकि हमें ना लेडीज एसेंशियल लेना है, बहुत दिन से चल रहा था ना। हाँ क्या देख रहे हो मम्मी? जींस देख रही हूँ। मस्त है ना जींस दिख रहे हैं यहाँ पे। तो लेडीज एसेंशियल बोल के हम सीधा घुस गए ड्रेसेस की शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मम्मी को लेनी थी जींस। कैसे है लड़कियों बताओ तो? ऐसे है तेरे पास? हाँ ऐसे लूज जींस मेरे पास बहुत सारे हैं। क्या ट्राई कर रहे हो आप? जींस। मम्मी ने ये दोनों जींस ट्राई करने के लिए, ठीक है आप ट्राई करके आओ। क्या यार मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं दिख रहा, जो लास्ट टाइम था वही सब है यहाँ पे। बैठ गए पापा? कैसे है? थोड़ी लूज है ना? अच्छी है ना? अच्छी लगी आपको लेनी है? आपको अच्छी लगी? पहले वाली अच्छी है ना? वहाँ जो देखो पसंद है वो ले लो। तो जैसे पापा ने कहा जो पसंद है ले लो, तो मम्मी ने ये जीन्स पसंद की। कैसी है पापा? एक नंबर की फालतू जींस है वो। जोर से बोला ना? क्या जोर से बोल रहे हो? है वो अच्छी थी पहले की, वो ले ले। पहले की अच्छी थी, मेरे को वही अच्छी लग रही है। ये तेरे को अच्छी लग रही जींस? ये भी ट्रेंड में। अगर मेरे को पहले पता होता ना तेरी ये टेस्ट है ये जींस की, तो मैं तेरे से शादी ही नहीं करता। बाप रे अच्छी है, कंफर्टेबल है। आपको पहननी है, मुझे पहननी है ना?
क्या ये पैंट है वो मैं जींस वाली लूज वाली पैंट है वो इस और मजे से टेक सब टॉप आई तो बच्चे बचपन में ना कैसे गली में भागते थे ऐसे पैंट पहन के और छोटे बच्चे ने क्या जींस इलास्टिक वाली जींस नहीं मम्मी पहना दी उनको वैसे वाली जींस दिख रही है बाहर आओ ना बाहर आओ ये टॉप मेरी चॉइस का है अरे वो टॉप ठीक है ये क्या है ये ट्रेंडिंग मेरे पास पहले मालूम होता है सोनल की भी ये टेस्ट ना तो उसको साथ में भी नहीं लाता मैं अच्छा है कि नहीं वो पहले वो लिया था ना वो लेना यार वो पहले जींस जो ली थी वो पहले ये पहन के मेरे सामने नहीं आने का तो कहाँ जाएगी मम्मी से जाओ उधर जाओ शांति का उन्नति का प्यार का चमन ये टॉप ले लो टॉप अच्छा है ना पापा टॉप ना को मेरे पास दूर हो जा मेरे नजरों से देखती मैं आपके घर जाने के बाद मैं नहीं देख रहा तेरे को लेकिन क्या प्रॉब्लम हो जींस में अरे यार वो क्या जींस है क्या वो कुछ भी पहनने का क्या मूड आ गया अरे आजकल वही फैशन चल रही है पापा लूज जींस और लूज टॉप की अरे ते को लेने का ले मेरे को दिखा मत अरे वो पहले जो देखे थे ना वो ले ले ये मत ले अच्छा नहीं दिख रहा हो दे दिल कर रहे हैं मम्मी आपने एक ही जींस ली क्या इतना बोल दिया पापा ने फिर मम्मी को एक ही जींस लेनी पड़ी हा? और पापा के मना करने के बाद भी मम्मी ने ये जींस ले ली मुझे ना वो रिंग लेनी है हाथ में पहनने वाली पापा ये वही है क्या नहीं ये कान में क्या रिंग कहाँ पे रिंग 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 मुझे ब्रांडेड रिंग लेनी है पापा पसंद करके देंगे पापा ये वाली देखो ले ले कितने की हो अच्छी है क्या पहले देखो तो और दूसरी देखने के लिए मुझे तेरे को देखने तो कितने की है वो 400 रुपए की रिंग है उतने इसमें चांदी की रिंग आ जाएंगे हाँ पापा मम्मी क्या मम्मी बताएगी बराबर मैं मम्मी की शॉपिंग अभी मैं बिल कर देती हूँ मुझे रिंग लेनी थी लेकिन नहीं नहीं माने रिंग जाने दो फटाफट बिल कर देने तो और लेते रहेंगे वो कर दे बिल चल कर दूं मैं हां कर बस हो गया शॉपिंग करने तो नहीं चली नहीं चल बाहर निकलो मैं मम्मी कहाँ आई बाहर चली गई होगी शायद मम्मी अब बिल हो गया अब क्या ले रहे हैं ये बिल हो गया चलो चलो बिल कुछ रख लेने का था मस्त लग रहा है बिल हो गया लेके दे एसेंशियल लेना है मेन हम उसी के लिए आए हैं चलो मम्मी चलो चलो बहुत दिनों के बाद में जा रहे हैं तू भी आ गई क्या लेडीज एसेंशियल हमेशा ब्रांडेड एंड अच्छे लेने चाहिए बिकॉज वही सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होता है तो मेरा इसमें कोई रोल नहीं जो भी शॉपिंग करना है वो मम्मा कर लेगी और मैं बस बैठी रहूंगी अब घर जाके हमें ग्लास ऑफ फुल वाटर वाला गेम भी खेलना है तो हम लोग है ना मॉल से निकल के पप्पा भी कहाँ जाने बताओ ना अभी आप सीधे जाएंगे घर पे नहीं नहीं जूस पीने जाएंगे पहले जूस पीना है फिर उसके बाद में देखेंगे घर पे जाना है कि नहीं सोचेंगे हाँ सोचेंगे पप्पा सोना तू तो पप्पा आपके बाल कितने मस्त दिख रहे हैं देखो ना ओ मैंने तेरे माँ का शैम्पू लगाया वाओ ये देखो ऐसे लेयर दिख रहे हैं पापा अभी पता चला कैसे सिल्की बाल होते
भारी शैम्पू लगाने से। वाओ खुशबू भी एकदम मस्त आ रही है। देखा पापा के बाल कितने लंबे हैं देखो। चलो कम से कम ना काव्या के वजह से ना अपने घर पे फ्री शैम्पू कंडीशनर तो आते रहते। हाँ ये मैं क्या दिखा रही थी, ये देखो पापा के बाल कितने बड़े, ये देखो इतने बड़े बाल है पापा आपके। आप केयर क्या करो पापा, बिल्कुल केयर नहीं करते। तो हम ना अभी रुके हैं यहाँ पे जूस पीने के लिए और हम पियेंगे मिक्स जूस विद आइसक्रीम। हंसी मम्मी हंसी, ऐसे पासपोर्ट के फोटो में क्यों नहीं हंसे मम्मी आप, फिर से देखो इधर पापा की वजह से। क्या मैं एक अंदर मुंह पकड़ के रखा था क्या? मुझे कंफ्यूज किया, नर्वस हो गई थी मैं इसलिए। पापा नहीं थे वो कैबिन में, क्यों पापा? हाँ ना मैं तो मेरे बच्चों के कैबिन में था कि उनको मैं उनका पासपोर्ट ये करवा रहा था। सोनल दी गिरा मत। कुछ नहीं, वो धोने पे निकल जाएगा है ना मम्मी। अरे देख ये मेरे हाथ का कलर नहीं जा रहा, वो जूस का और तेरे ड्रेस का कलर निकल जाएगा क्या? निकल जाएगा पापा, टेंशन मत दो मेरे को, व्हाइट ड्रेस है ये। आ गए हम तो घर पे। सोनल दी वो लिया ना तूने तिरंगे का पंखा, ये कृष्णा को दूंगी मैं। लेना ले तेरे लिए। मैं लेने है ची के लिए। हाँ ठीक है, तू ची को दे देना उठने के बाद। अच्छा है क्या? अच्छा तो है। हैप्पी रिपब्लिक डे बोल सबको। हैप्पी रिपब्लिक डे। हाय हेलो, कैसे हो आप? बढ़िया। तो इन्होंने ना मेरा स्केच भी बनाया, देखो ओपन कर लो अभी। हाँ, हाँ। कर लो। चलो अब इसको ओपन करते हैं। 1 2 3 वाओ ये देखो। कैसे लगे आपको स्केच? बहुत मस्त है, मैंने कल ही मेंशन भी किया था। बहुत सारे रिव्यूज आ गए। कितना मस्त स्केच है। थैंक यू सो मच। तो कृष्णा का जो नाम लगाना था ना घर पे, तो वो नाम बन के आ गया, अब वो लगा रहे हैं। दिखाओ अंकल कैसा बनाए। अच्छा लग रहा है ना, आप सब लोग भी बताओ कमेंट में। मस्त लग रहा है, इसको यहाँ पे लगा देते हैं फिर। घर पर लग गया हमें ना, ये नाम बहुत दिनों पहले ही घर पे लगाना था लेकिन हो नहीं पाया, लेकिन आज लग गया है तो कितना मस्त लग रहा है। आप लोग भी कमेंट में बताना कैसे लग रहा है कृष्णा का नाम घर पे। तो मैं क्या बोल रही थी कि अभी है ना थोड़ा टाइम है ना हम चॉप के साथ शेयर करते, क्योंकि क्या हो गया ना बहुत दिन हो गए मैंने आपको चॉप को नहीं दिखाया, तो मैं अभी चॉप के पास चलती हूँ, चॉप के साथ थोड़ा सा खेलते वगैरह मजा करते। कुछ काम का नहीं, बस खाने को होना उसको। देखो चॉप कितना बड़ा हो गया। भोका क्या, वो कभी भोका क्या किसी को? तो अभी जैसे कि आप ना मेरे पीछे देख सकते हो, मैं भी चॉप से मिलने आया, लेकिन ना मुझे ये तो मेरे तरफ एक क्यूर है, मस्ती में आएगा दुगा देखो पटके में चॉप पे, देखो पिट डालूंगा मैं, फोड़ डालूंगा मैं, देखो सीधे औकात में रहने का, उधर रहने का, दूर रहने का मेरे से। बचपन में जब तू पूरा बीमार होके मरने वाला था, तो मैंने ये ना भगवान से डायरेक्ट बात की थी कि तेरे को ना बचा लेने का, तो वो फिर तभी तू बचा था, समझा क्या? और अभी तू इतना बड़ा होगा तो मस्ती में आया तू, तो सीधे रहने का अभी। मैंने इधर ऑपरेशन किया था बचपन के अंदर, अभी तेरे को पिट डालूंगा मैं, ज्यादा मस्ती में नहीं आने का तू। चीको इधर देखना।
स्वरा इकड़े हाय कर अच्छा मारे तू ब्लॉग्स बगती ना। तो ये है ना सोलापुर से मुझसे मिलने के लिए आई है और ये है ना गणपति बप्पा जो होते हैं ना भगवान को सारे भगवान को बोली कि मुझे कावे दीदी से मिला दो। मिल लिया कैसा लगा मिलके? अच्छा लगा ना। चिकू स्वरा से मिलना। वो मैं क्या है ना मैं वो लड़कियों से मैं बातें नहीं करता। अरे उधर है फोन पीछे देख पीछे उधर पीछे पीछे उस साइड देख वहां पे। अभी है ना मैं जस्ट रेडी हो रही हूँ ऐसे ही नहा के है ना मैं ऐसे ही रोज रेडी होती हूँ। रेडी होना चाहिए सभी लड़कियों ने तो घर में ना पॉजिटिविटी आती है। और देखो जब से मैंने कर्ल किया ना तो एक अलग ही लुक आया मेरे बालों में तो मुझे भी एकदम बहुत अच्छे लग रहे हैं बाल। आप भी बताओ कैसे लग रहे हैं? मुझे एकदम है ना वो डॉल वाली फीलिंग आ रही है कि मैं डॉल हूँ। देखो हाँ एक मिनट पलक भी नहीं झपकाना है मेरे को। कितना भरता उसको अभी बस पापा आराम से काम काम हाँ बच्चे बच्चे सरक बाप रे गिरने वाला है। ओह भगवान ये संदर्भ नहीं आ ये संदर्भ सोलर ले लो अभी एक से जादू कर डालता मैं। हाँ मेरी मम्मी एक नहीं गिरा था नहीं गिरा बच्चे ले सर को एक बार ही डालना पड़ता है। हाँ एक बार डाल दिया डबल डाल दो पापा। यार डिब्बू तू गिरा दे गिरा नहीं इधर नहीं पहले का है वो नहीं गिरा ठीक है जादू गिरा क्या? नहीं गिरा। पापा गिरा मत। पापा जीतना है। खा ले।
नहीं गिरा नहीं। चल सोनल दी भगवान बचा ले। ये गई इसका फुल ग्रास भरे हुए सोने फिर गिरा ना। ले लो पहले सोनल आ रही। सोनल ने एक मिर्ची खाई अभी तो खाएंगे। अभी तो एक मिर्ची खाएंगे। वो खा तू दो। चल देखो मम्मी हारी है तो सबसे ज्यादा खुश पापा है। खा खा ले पूरी खाली। देखा मैं और डिब्बू कभी हार नहीं सकते। कितने सारे लोग आ गए देखने के लिए। मम्मी आप जेसीपी लवर हो तो अब हमारे घर के सामने जेसीपी क्यों आई है आपको ये नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तो चलो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। जल्दी से वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।